नमस्कार किसान भाइयों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको सोयाबीन की फसल पर स्प्रे कौन कौन से होते हैं और हम उन्हें किस समय करते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। जानकारी देने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप कभी मेरे YouTube चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो आपको मिलते रहे और नई नई जानकारियाँ आप प्राप्त करते रहें। हम अब बात करते हैं सोयाबीन का फर्स्ट छिड़काव। जो हम पहला छिड़काव करेंगे वो हम खरपतवार नाशी का छिड़काव करेंगे, क्योंकि हमको खरपतवार नियंत्रण के लिए हम एक री इमरजेंस खरपतवार नाशी का यूज़ करेंगे। उसके लिए हम बुआई के 1 या 2 दिन बाद पेंडामेथलिन या मार्क का उपयोग करके इसका छिड़काव करते हैं, जिससे कि हमारे जो जो फील्ड में उगे हुए खरपतवार है वो नष्ट हो जाएंगे और जो उगने वाले हैं वो भी ना उगेंगे। तो जो हमारा पहला छिड़काव है वो हम पेंडामेथलिन और मार्क का करेंगे। किसान भाइयों, हम दूसरा छिड़काव जो करेंगे 15 से 20 दिन की अवस्था में करेंगे। दूसरा छिड़काव भी हम खरपतवार नाशी का ही करेंगे, क्योंकि जिन किसान भाइयों ने पहला छिड़काव खरपतवार नाशी का नहीं किया होगा तो वो दूसरा छिड़काव खरपतवार नाशी का कर ले, ताकि जो हमारे खरपतवार है वो नष्ट हो जाए। तथा इसके साथ में इसी अवस्था में हमें एक PGR का भी स्प्रे कर देना चाहिए, ताकि जो हमारा पौधा है वो ज़्यादा बढ़वार ना ले और वो पौधा फैले और जो उसका का स्टेम है वो मोटा बने, ताकि जो हमारे पौधे में अधिक से अधिक फलियां लगें। और किसी भी PGR का यूज़ करके ये वो स्प्रे कर सकता है। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे स्प्रे की। तीसरा स्प्रे जो हमें करना है 30 से 35 दिन की अवस्था में करना है, और जो हमको स्प्रे करना है वो हमको करना है रिंग कटर और सफ़ेद मक्खी के लिए, क्योंकि इस अवस्था में हमें जो हमारी फसल को नुकसान ज़्यादा पहुँचाता है वो है रिंग कटर और सफ़ेद मक्खी। इसके नियंत्रण के लिए हमें ट्राइजोपास प्लस साइपरमेथ्रिन का 2 ml/L वाटर के हिसाब से छिड़काव कर देना चाहिए, ताकि जो हमारा रिंग कटर और सफ़ेद मक्खी है इसके ऊपर काबू पा सकें। तथा इसके बाद में हमें चौथा छिड़काव जो करेंगे वो भी हम इंसेक्टिसाइड के लिए ही करेंगे, जो कि 45 से 50 दिन की अवस्था में करेंगे। इस अवस्था में सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाता है कीड़ अमेरिकन सुंडी और तंबाकू वाली इल्ली, और कहीं कहीं पर रिंग कट और सफ़ेद मक्खी भी देखने को मिलती है, जिसके नियंत्रण के लिए हमें डेल्टा प्लस ट्राइजो का 3 ml/L वाटर के हिसाब से छिड़काव करते हैं, या कोराजन का 60 ml/acre के हिसाब से छिड़काव करते हैं। अब बात करते हैं हम अपने अगले छिड़काव की ओर। जो अगला छिड़काव है वो हमारा पांचवा छिड़काव है, जो कि हम 55 से 65 दिन की अवस्था में करते हैं। इस अवस्था में जो अमेरिकन इल्ली और तंबाकू इल्ली काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाती है, तो जिसके नियंत्रण के लिए मैं जो दवाई बताऊंगा थोड़ी महंगी है, बट क्या है इस अवस्था पर हमें इसको नियंत्रण करना ज़रूरी है, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम ना हो। इसके नियंत्रण के लिए हम इमामेक्टिन बेंजोइड इसके नियंत्रण के लिए हमें इमामेक्टिन बेंजोइड 1 g/L वाटर के हिसाब से छिड़काव करते हैं, या फिर कोराजन का 60 ml/acre के हिसाब से छिड़काव करते हैं, जो कि हमारी थोड़ी महंगी दवा है पर रिजल्ट अच्छा मिलेगा और जो हमारा प्रोडक्शन है वो कम नहीं होगा। इसके साथ साथ हमें इस स्टेज पर इसी अवस्था पर हमारा जो दाना बनना स्टार्ट हो जाता है, तो दाने का अच्छा भराव हो फलियों में और प्रोडक्शन बढ़े, इसके लिए हमें 0-52-34 का एक छिड़काव कर देते हैं, ताकि जो हमारा प्रोडक्शन है वो कम ना हो और हमारा प्रोडक्शन अच्छा आए। इसलिए हमें 0-52-34 का 1% का घोल का छिड़काव करते हैं, ताकि जो हमारा प्रोडक्शन है वो अच्छा आए। मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कभी मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि अधिक से अधिक किसानों को फ़ायदा हो।